हेलो गाइस, तो आपका नया ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का बहुत स्पेशल प्रोग्राम है, तो छठ का, जैसे कि आप जान रहे हैं कि अभी छठ का टाइम है। तो छठ बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार है और इसमें हम लोग ना छत पे ही घाट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी का भी थोड़ा तबीयत ख़राब है। तो हम लोग सोच रहे हैं, घाट पर बहुत भीड़ भी हो जाता है, ऊपर से मगरमच्छ का इधर सुनने में आया कि निकल गया है, तो हम लोग सोच रहे हैं छत पर ही घाट बनाएंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर चाचा रवि लगे हुए हैं, मिट्टी को गीला कर रहे हैं, और वहाँ पर पापा और आशीष जुटा रहा ईटा। तो मोटिव यही है कि इस एरिया में हम लोग बना लेंगे घाट, देखते हैं कैसा बनता है। लास्ट टाइम तो एक बार बनाए थे, तो इस बार देखते हैं सक्सेसफुल कितना रहता है। तो उस टाइम ब्लॉगिंग नहीं करते थे, तो ब्लॉग में नहीं डाल पाए थे, तो अभी बनाते हैं और दिखाते हैं आपको कैसा बनता है, क्या बनता है, आपको पूरा अपडेट दिखाते हैं छठ का, जो कि बिहार का सबसे बड़ा पर्व है। तो बने रहिए और देखिए और आनंद उठाइए। इस तरह का मिट्टी सना गया है, जो कि पूरा अभी आप देख सकते हैं पूरा पुल करेगा, ताकि वो वहाँ पर हम लोग लगाएंगे और तो सूखेगा। चाचा और पापा पूरा प्रोग्राम बना रहे हैं कि कैसे होगा और कैसे लगेगा। और ये लेकर आया सुजल करैया, इसी से माल भर के जाएगा। गीला वाला जाएगा ताकि सूखेगा। देखिए मिस्त्री, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा तो बाद में बोलिएगा मत। देखिए मिट्टी किस तरह से बिछाया जा रहा है, और ये गीला पूरा है और उस पर ईंटा रखा जा रहा है। ये एक्चुअली हम लोग पुराने टाइम में घर इसी प्रकार के बनते थे, खराब है रिटर्न के। और यहाँ ये लोग का डिस्कशन कुछ और चल रहा है। छोड़ दो, रख दो, टांग दो कहीं। देखते हैं पानी कितना थाम सकता है ये। तब ना छोटी छठी मैया, हमनी से बरत दो हार, हमनी से बरत दो हार, तहरी भरोसा हमनी के, छुट्टी नहीं छठ के त्यो। हम आपको लाइव अपडेट कर रहे हैं, दिखाते हैं आपको कहां तक बन चुका है। तो ये देखिए गाइस, यहाँ तक बन गया है। तो प्लास्टर आप लोग साथ ही साथ कर ले जा रहे हैं का? जी, हम लोग का काम फास्ट करता है। तो लोग ढलैया प्लास्टर सब एक साथ लगा दिए हैं। सेंटरिंग बाद में होगा। सेंटरिंग बाद में होगा। तो पूरा मोटिव ये है कि इतना बड़ा हम लोग बना रहे हैं, इसके बीच में पन्नी बिछा देंगे और उसमें पानी भर देंगे। तो अभी हम लोग मेन आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। यहाँ पर ये है कि मिट्टी से हम लोग पूरा लॉक कर रहे हैं और अल्टरनेटिव ईटा डाल रहे हैं, ताकि ना थोड़ा बैलेंस अच्छा से बने रहे। और कुछ बोलना चाहिएगा चाचा इसके बारे पे कि क्या टेक्निक है, कुछ टिप्स? टेक्निक इसमें विशेष यही है कि हम लोग जैन को जो है बहुत बेहतरीन रूप से इसको मारते हुए जा रहे हैं। इसका यही है विशेष टेक्निकल इसका वो। अच्छा, क्या पानी का लोड ले लेगा? अच्छा, पूरा पापा कॉन्फिडेंस है कि पानी का लोड ले लेगा इतना, तीन ईटा भर। और आशीष भी पूरा लगा हुआ है, अभी बेचारा मेहनत कर रहा है। पानी का लोड इतना लगा था, मगरमच्छ मछली सब इसमें पालन हो सके। हाँ, आगाह कर देना है नीचे कि ना ध्यान से, मगरमच्छ भी हो सकता है, इतना बड़ा पुल बन गया है। ये ऐसा पोखर बन रहा है जिसमें मगरमच्छ भी रहता है, आराम से मछली भी रह सकता है, कछुआ भी रह सकता है, हम लोग अर्घ भी दे सकते हैं आराम से, कोई मतलब डर भय बिना डर भय का। हम लोग अच्छा खासा डिसेंट साइज का बना रहे हैं और इससे खुश हैं हम लोग कि ना साइज परफेक्ट है, ताकि एक साथ पाँच छः लोग आ जाए। हालांकि हम लोग एक मम्मी ही कर रही है, तो आई थिंक इनफ स्पेस है। और ये तीन तीन ईटा ही रखना है ना? जी, तो तीन तीन ईटा ही लगा रहे हैं, आई थिंक काफ़ी होगा तीन ईटा। तो गाइस अब आगे का नेक्स्ट प्रिपरेशन आपको दिखाते हैं आगे आगे, और बने रहिए। और आपको अभी तक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने लोगों से जो छठ को मानते हैं, मनाते हैं
और बिहार का जैसे कि पता है आपको छठ सबसे बड़ा पर्व है, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है और शेयर तो बनता है, प्लीज कीजिए, थैंक यू। ये देखिए तो यहाँ पर नेक्स्ट लोड बन रहा है, तो एक ही साथ डबल अरे बना के चलिएगा। एक मिस्त्री इधर वाला, एक मिस्त्री उधर से लेते आ गए अपने हो जाएगा ठीक। तो गाइस लगभग आधा बन चुका है और अब तो ना ये देखिए इसी से बना है, मात्र में शॉर्ट में लाइक है नहीं बुरा और है, एक बोआ स्टॉक में है, डायरेक्ट ट्रक मंगवाया है मतलब खाद कंपनी। कौन कंपनी का ये मिट्टी है? ये खानपुर कंपनी कंक्रीटो लफाज कंक्रीटो लफाज कंक्रीटो का मिट्टी है। आप सोच रहे होंगे लफाज कंक्रीटो का मिट्टी कहाँ से आता है, तो ये मैं बता दूँ ये बहुत ही सीक्रेट जगह है, यहाँ पर हम लोग बताए नहीं कहाँ से आता है, नहीं तो वहाँ पर भगदड़ मच जाएगा। ये हम लोग का साइड बिजनेस है। आइए देखिए यहाँ पर एकदम ताज़ा ताज़ा बन रहा है एकदम, बगल से काटो बगल से काटो, देखिए बनाने में कितने लोग लगे हैं, तीन आदमी लग गए हैं, मगर दो आदमी का हाथ इतना गीला है, एक आदमी का इतना सूखा क्यों है, एक आदमी फांकी मार रहा लग रहा है, मेरे को लगा दो आदमी का इधर कादो कादो हाथ हो गया, एको का सूखा सूखा लग रहा है। हम लोग वहाँ पर बांस गाड़ने के लिए बना रहे हैं, तो गाइस तो अब हम लोग का पूरा बन गया है और आपको दिखाते हैं किस तरह से बना है। तो ये देखिए तो कुल मिला के हम लोग चार बांस लगाए हैं ताकि डेकोरेट कर सकें, और हाइट देखिए तीन ईटा का हम लोग बनाए हैं, तो ये हम लोग का एम था, अब इसको हम लोग डेकोरेट कर देंगे अच्छा से। तो यही है कि अब प्लांट व्लांट लगा के फूल वूल लगा के थोड़ा सा ऊपर जो यहाँ से यहाँ ज्वाइन करके ऐसे ऐसे ज्वाइन करके थोड़ा डिजाइन उजाइन बनाएंगे, यही मोटिव है, और आपको पूरा सजाते हैं आपको दिखाते हैं कैसे हम लोग क्या करते हैं, और शायद आपको भी देख के अच्छा लगे और आप भी छत पे छठ करना चालू कर दे, तो या दिखाते हैं करने के बाद। हम लोग बना लिए हैं तो चाचा सबसे ज़्यादा मेहनत किए हैं, क्या बोलना चाहेगी वह चाचा, थके कि नहीं थके चाचा का? थकना क्या है, इसमें तो हरासमेंट होता ही है थोड़ा बहुत, और इसमें तो आस्था का चीज़ है तो इसमें थकने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम भी मेहनत किए हैं बहुत, रवि भी बहुत मेहनत किया, आशीष हम भी, हम दोनों आशीष स्टाफ थे, चाचा का हेल्पर थे, हाँ ये दोनों हेल्पर था। मगर एक चीज़ है कि ना हम लोग खरीदने का तो टब भी खरीद के ला सकते थे प्लास्टिक का, बट इसका जो मज़ा है वो टब में आता नहीं आता, नहीं ये तो इसका तो अब तो हम लोग ये प्राकृतिक चीज़ हो गया, ये हम लोग बना टाइप का बना दिए। हाँ ये किस तरह पूरा मिट्टी का हम लोग बनाए हैं ऐसे, ये देखिए, और ये बांस लगा दिए हैं डेकोरेशन के लिए, मैं बता ही चुका हूँ, देख सकते हैं पीछे कि ये हम लोग अभी पेपर चिपका दिए हैं और ऊपर लगा रहे हैं, तो यही है कुल मिलाकर। आप ये सूखने के बाद पूरा ऐसा लग रहा है, तो ये है रहा घाट बनाने का, और नेक्स्ट वीडियो डेकोरेशन ये सब का मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, और इस ब्लॉग में इतना ही, ताकि मैं मोटिव ये है कि छोटा छोटा बनाऊँ वीडियो ताकि अप्रोप्रिएट लगे, बोर कोई ना हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।